यार इसकी ये एक आदत है, ये ऊपर की तरफ देखता रहता है कि ना ऊपर कोई रास्ता हो जाने का, नीचे थोड़ी जगह है आपके खेलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। यार ये देखे कचरा, आज फिर मैंने ना इसमें से 5 बास्केट ना निकाल के नीचे छोड़ दी हैं, तो अभी तक ये देखे कितना ज़्यादा है। कल यार मैंने ना इसको आग भी लगाई थी, ये देखें अभी भी हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है नीचे कितना इसने ना इसको जला दिया, कितनी इसने ना इसकी राख बना दी है, फ़िलहाल मुझे कोई नहीं पता। और इसको मैं हलाना भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं इसको ना छेड़ूंगा ना तो ये जो हो रहा है ना हल्का हल्का सुलग रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है यार कि थोड़ा थोड़ा ऐसे करके तो, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कम होगा ना। यार आज अपने चूज़ों को ना सबको लाजमी बाहर निकालेंगे, और मसला इसका है ना कि ये हमारे बिखेर देंगे दोबारा वापस, कोई मसला नहीं यार बिखेर दें फिर दोबारा इकट्ठा कर देंगे, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर अभी भी है ना निकल रही है आग, तो इसको ना मैं अभी गर्म भी है, हालांकि कल सुबह मैंने आग लगाई थी तो अभी तक है ना धुआं भी निकल रहा है और गर्म भी है, तो मैं ना ऐसा करता हूँ इसको ना ढाँप देता हूँ किसी चीज़ के साथ। चलो इसको ना इसके साथ ढाँप देते हैं, चलो जो गर्म है ना, चलो कम अज़ कम हमारा कोई चूज़ा उसकी तरफ तो नहीं ना जाएगा। चले अपने रैबिट्स को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। अच्छा कल जो हमने मूलियाँ छोड़ दी थी ना इनके अंदर ही, वो देखा सारी माशाल्लाह खा गए हैं, मुझे पता था इन्होंने खा जानी है इसलिए ना मैंने निकाली नहीं। ये देखें अब तो नज़र भी नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी है। यार ये रैबिट्स का काम देखो, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें ये शीट है ना गत्ते की, ये खा खा के सारी है ना ख़त्म कर दी इन्होंने, ऐसे ना किनारे बने हुए थे दोनों तरफ से, ये देखें कैसे गुलाइयाँ बना दी इन्होंने। यार मेरा ख्याल है कि इनकी ना भूख पूरी नहीं होती, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया ना, सर्दियों में वैसे ही भूख बढ़ जाती है, दूसरा माशाल्लाह ग्रोथ भी उनकी हो रही है, ग्रोथ के उनके दिन चल रहे हैं, तो इसलिए ना ये उनको ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए ना वो अपना खाना ख़त्म करने के बाद ये हरकतें शुरू कर देते हैं। जो नीचे थोड़ा बहुत बचा होता है ना वो शायद इसलिए नहीं खाते, वो भीगा होता है सारा, तो इसलिए वो शायद वो नहीं खाते। तो इंशाल्लाह यार कोशिश करते हैं कि इनका ना खाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, मैं पहले भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा आज, इंशाल्लाह इनका खाना ना ज़्यादा लेकर आएंगे। चले जी आज आप बाहर आ जाइए। यार इनका जो कल झगड़ा हो रहा था ना, फैसला अब ये हुआ है, क्या हो गया आपको, ये वैसे डर गई किसी चीज़ से, फैसला इनका ये हुआ है कि ये तो दो है ना, ये एक ग्रुप बन गया और ये बेचारा ना अकेला है, इन दोनों से भागता है। चलो फिलहाल ये है कि भाग गया ना, अब झगड़ा नहीं होता है इनका। कल यार बहुत है ना दोनों की, इसकी और इसकी वो ख़राब हालत थी, कल मेडिसिन दी है तो आज माशाल्लाह ये ठीक है। चलो भाई आज भाग। अच्छा झगड़ा इनका इतना हुआ है ना, फिर भी आप देखिएगा तीनों एक ही जगह पर जाएंगे, इकट्ठे खेलेंगे हर जगह पर, वो देखें अलग अलग इन्होंने फिर भी नहीं होना, वो देखें तीनों वहीं पर पहुँचे, इनको पता है कि यहाँ पर सब्ज़ा पड़ा खाने के लिए, वो देखिए सारे दिन वो देखें, फिर बिला वजह उसने यार आवाज़ निकाली है तो ये सारे डर गए हैं, हालांकि आराम से यहाँ पर बैठे ना खाना खा रहे थे। चलो ये तीन बहादुर तो वहाँ से हो आए हैं, इन्होंने खाना खा लिया, चले अपने इनको भी निकाल देते हैं छोटू गैंग को, ताकि ये उधर से अपना सब्ज़ा खाएं और हमारे रैबिट्स इनका खाना खाएं। आज यार हमारे ना इस चहते की बारी है बाहर आने की, आ जाओ जी, ओह वेरी गुड, आराम से यार। एक तो यार जब ये निकलते हैं ना मुझे लगता है कि ना बस ये दोबारा वापस नहीं जल्दी आएंगे। आ जाओ जी आ जाओ, आप भी आ जाओ बस। अच्छा अब उसको ना पता चल गया, अब वो आ जाता है शुरू में बाहर, वरना बड़ा ना खपाता था। वो देखो यार किधर फिर रहा है, हालांकि नीचे कितनी सारी जगह है लेकिन वो दीवारों पर चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो है भी ममनुआ इलाका, हमारा घर नहीं है वो, हमारे जो बैक साइड पर हम आए हैं उनका घर है। चलो नीचे आ जाओ यार, यहाँ सारे फिर रहे हैं, आप भी उधर फिरो। अरे नहीं तेरा ये फिलहाल तो यह है जी हमारी छत है, लेकिन दूसरी तरफ चला गया फिर ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, खुद ही वापस आ जाएगा। यार इसकी ना हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लग रही हैं, इसको मैं ना इधर से जाके ना छत के ऊपर करता हूँ। चलो 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 नीचे नीचे, चलो अब खैर है ये अपना घर ही अपनी साइड ही है, फिर भी यार नीचे आया ये ऊपर दीवारों पे क्या कर रहा है। चलो 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 नीचे उतरो यार, वो किधर जा रहे हो यार, इसकी ये एक आदत है ये ऊपर की तरफ देखता रहता है कि ना ऊपर कोई रास्ता हो जाने का, नीचे थोड़ी जगह है आपके खेलने के लिए।
यार सच्ची मेरा दिल कर रहा है कि आइंदा इसको ना बाहर ना निकालूं। अभी मैंने निकाला है, थोड़ी देर में ये देखें कहाँ पर पहुँच गया। अच्छा यार, इन दोनों को भी, अपने कोच को और मलंगी को भी हमने बाहर निकाला था ना, तो ये दोनों ऐसी हरकत दोनों ने की। और ये ऊपर वाले केज वाला है ना, ये ऊपर ही रहता है, वो देखें वहाँ पर है। और इधर हमारी ब्लैक माती ने अपना काम शुरू किया है बाघ जो, यार जहाँ सारे फिर रहे हैं आपके साथ वाले उनके पास जाओ आप, बाकी सारे उधर अपने काम में मसरूफ़ है खेलने में, और ये यहाँ इसके साथ झगड़ने में मसरूफ़ है। इधर फिर रहा है शेरू, यार शेरू एंड फैमिली भी नहीं नज़र आ रही सारी। ये देखें इधर है। अच्छा हमें अपनी टेंशन बनी पड़ी है कि हमारा मुर्गा वो ऊपर चल गया, नीचे कैसे उतारें। और हमारे रैबिट्स को देखो, ये आराम सुकून से छोटे गैंग का खाना खाने में मसरूफ़ है। अच्छा यार ये माशाल्लाह वीक इनका कैसा है, सारे एक तरफ से आते हैं उसको ना, एक तरफ से जोर लगाते हैं, दूसरी तरफ वाला खाना भी इधर ही आ जाता है, तो वहाँ से आराम से खाते रहते हैं सारे। अच्छा ये रखवाली के लिए बाहर गया था देखने, कोई आ तो नहीं रहा। हाँ जी, ये बाप का क्या करना है, चलो इसके साथ नीचे उतारता हूँ इसको। और देखो दूसरी तरफ जा रहा है, सच्ची आज ना खपाएगा ये। दुआ करता हूँ यार ये ना ज़्यादा हाई जंप ना ले, यहाँ नीचे ही बस है ना छलांग लगा दे, क्योंकि एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, मुर्गे ने हाई जंप लिया था, यहाँ से उसने जंप लगाया, वो जो हमारे बैक साइड वाले ना उनके सेहन में जाके गिरा था। ये हुआ तो कुछ नहीं है उसे, लेकिन ये काम बढ़ जाता है यार, फिर वो हम साहे भी कहते हैं कि आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, जानवर आपसे संभाले नहीं जाते। एक तो ये छत भी है ना स्लोप बनी है, इधर से इस तरफ है और इधर से इस तरफ है। अच्छा यार अब तंग ना करना, आराम से ना छत के ऊपर छलांग लगा दो, कुछ नहीं कह रहा, वेरी गुड, आराम से नीचे की तरफ देखना, अब ऊपर की तरफ ना देखना, और ऊपर कहाँ जाना है। चलो मैं इसको ना इस तरफ से करता हूँ, देखो सारे नीचे फिर रहे हैं, इनको नज़र भी आ रहा है फिर भी। हाँ हाँ वेरी गुड, चलो मैं अभी बताता हूँ, अभी यार दोबारा आना चढ़ जाए दीवारों पर। चलो यार जल्दी से मैं नीचे पहुँचता हूँ, नीचे जाके ना उसको केज में वापस डाल देंगे। चलो किधर गया वो, आया तो इधर ही था नीचे, किधर फिर रहा है वो। देखें यार ये फिर इस छत पे आ गया है। ओए क्या करना है आपका, ओए आप नीचे उतरो, एक लगा हुआ जो उल्टी हरकतें करने काफ़ी है। चलो चलो शाबाश, वो देखो फिर यार उस कोने पे पहुंच गया, दूसरी तरफ उसने छलांग लगाई ना, काम बहुत ख़राब हो जाना है, दोबारा फिर वापस उसी ट्रैक पे आ गया है। चलो 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 शाबाश शाबाश, नीचे वेरी गुड। अच्छा ये भी मसला है, दूसरे झगड़ते होंगे उसके साथ, लेकिन यार जब इसको मैंने निकाला है बाहर तब तो ऐसा मसला भी कोई नहीं था, शायद इन्हीं की वजह से ना नीचे नहीं आ रहा था ना। ओए पीछे हट जाओ, पीछे पीछे, बड़ा इस्तकबाल किया भी आप लोगों ने। चलो आप केज में चलो फिर। चलो जी अब जरा सुकून का सांस आया, हमारा चेता वापस अपने ना केज में आ गया। मेरा ख्याल है ये इसीलिए है ना दीवारों के ऊपर चल रहा था, कि जब ये नीचे आता है ना तो ये दोनों ना फौरन उसके साथ झगड़ा शुरू कर देते थे, तो इसीलिए ना वो बेचारा नीचे नहीं आता था, दीवारों के ऊपर ही फिर रहा था। चलो भैया जो केज के अंदर खाना आ चुका है आपका, ये नहीं चलो अंदर चलो, अब आ जाना खाना इनका, मैं पहले से भी ज़्यादा लेकर आया हूँ। ये देखें माशाल्लाह, चलो इधर आ जाओ मेरे क्यूट क्यूट से रैबिट्स। अच्छा आज मैं ना खाना इनका तकरीबन ना डबल के बराबर आया, इनका जितना पहले आता है ना तो तकरीबन डबल के ना बराबर आया आज इनका खाना, तो देखेंगे कल सुबह को ये भी ख़त्म हो जाता है या फिर बच जाता है इसमें से, क्योंकि यार इनकी हरकतें बहुत ख़राब है। मुझे ये देखें ना जो हार शीट थी ये भी इन्होंने ना कुदर कुदर के खा ली है, तो बड़ी यार ये गलत हरकतें हैं इनकी। हाँ जी अच्छा यार ये देखें माशाल्लाह हमारे रैबिट्स, ये देखें और इसके देखें, इनमें से एक बनी है हमारा, ये देखें ये और ये, इन दोनों में से आपके ख्याल में बनी कौन सा है। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह, इन दोनों में से ना हमारा बनी पता कौन सा है, ये वाला बनी है हमारा जो प्यार से ना आराम से बैठ जाता है। आज इनकी सुलह सफाई हो गई है, कल इस वक्त है ना ये वाला केज में दाने जंग बना हुआ था, तो शुक्र अल्लाह का आज माशाल्लाह ठीक है, अभी भी है ना जख्म भरे नहीं है इनके, ये देखो
इसके भी और इसके भी, इसने कम झगड़ा किया है, इन दोनों ने आपस में बहुत झगड़ा किया था। चलो अब माशाल्लाह मामला ठीक हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये देखें कितना इन्होंने ना बखेर दिया है। चलो फिर भी यार बहुत ज़्यादा नहीं बिखेरा, थोड़ा ही है, इसको दोबारा फिर इकट्ठा कर देंगे।